नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीके डिजिटल चैनल और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो एरर आ रहा है रजिस्ट्रेशन के टाइम में, वो एरर क्यों आ रहा है, कब तक ठीक होगा, इस विषय में जानकारी आपको प्राप्त कर पाएंगे। तो फिलहाल वीडियो को आगे करने से पहले आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, मैंने इससे पहले एक और वीडियो बनाया था और उस वीडियो में आपको बताया था कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं ऑनलाइन घर बैठे मोबाइल के द्वारा और कंप्यूटर के माध्यम से। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया वो वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक उसका डाल दिया है, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद ही आप पूरा प्रोसेस समझ पाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ आपको ये बताएंगे कि जो एरर आ रहा है आधार ऑथेंटिकेशन नॉट सक्सेसफुल का, वो कैसे सॉल्व करना है और कब तक सॉल्व होगा। तो जैसा मैंने आप सभी को बताया कि जो प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, उस वेबसाइट पर जब रजिस्ट्रेशन के टाइम में फार्मर किसान अपने घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है। मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। फिलहाल जो पहले आपको यहाँ पर फार्मर कॉर्नर में एंट्री करेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको आधार नंबर आपका टाइप करना है और इंटर कैप्चा यहाँ पर टाइप करके क्लिक हियर टू कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक हियर पे कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करते हैं तो इस तरह का फॉर्म ओपन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी सारा डिटेल्स आपको भरना होता है वो भर लेंगे, वो पिछला वीडियो देख के आपको समझ में आएगा। और यहाँ पर इसमें मेन टॉपिक का रीज़न ये है कि कॉन्सेंट गिवेन, यहाँ पर सबमिट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, ये सब सारा डिटेल्स भरने के बाद आपको सबमिट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना पड़ता है। यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नीचे में एक रेड कलर का एरर आता है और उस एरर में लिखा रहता है नॉट ऑथेंटिकेटेड, प्लीज चेक योर नेम एज पर आधार एज डिटेल्स। ये एरर आ रहा है, बार बार ट्राई करने के बाद भी एरर आ ही रहा है। तो इसका क्या कारण है, ऐसा एरर क्यों आ रहा है, इस विषय में आपको डिटेल्स में बताए जाएंगे। दोस्तों, ये जो एरर है ये टेम्प्रोरली है, पीएम किसान सम्मान निधि के वेबसाइट में कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण यहाँ पे सारा डेटा आपका सेव नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण ये एरर आ रहा है। तो एरर ज़्यादा कुछ दिन तक रहने वाला नहीं है, कुछ दिनों में ये समस्या ठीक हो जाएगी। उसके बाद किसान घर बैठे आराम से आवेदन कर पाएंगे और आवेदन कैसे करना है उसका वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है मैंने। तो थोड़ा सा वेट करने का वक्त है और कुछ नहीं करना है दोस्तों, बने रहिएगा, आप चेक करके देख लीजिएगा, जैसे ठीक होता है आवेदन करिएगा, आराम से आपका काम हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही बताना था दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह के अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।